हेलो गाइस, वेलकम बैक विद आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल। तो ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल आफ्टर इफेक्ट्स के साथ मैं वापस आ गया हूँ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरीके से ओपनर बना सकते हैं विद अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या बनाएंगे और क्या सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करना है। तो मैं अपना रीसेंट प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने वो एनिमेशन बनाई हुई है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, जो कुछ चीज़ें आपको पहले मैं क्लियर कर दूँ जल्दी से, आपने जो सी एक मेन चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके लिए टिप भी है कि आप पिक्चर्स को अपनी कंपोजिशन में एक कंपोजिशन बना के, जैसे ये पिक वन का कंपोजिशन पिक टू का, तो इसके लिए मैं पहले एक न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ। मेन जो हमारा होगा 90:20 बताने की 30 फ्रेम्स पर सेकंड और 7 सेकंड लॉन्ग। तो आपने पिक्चर को भी यही सेम साइज रखना है, या तो आप इसको ही डुप्लीकेट करके इसके अंदर जाके इसका नाम चेंज कर दें तो वो भी सही रहेगा। तो जैसे आप करना चाहें, तो पिक्चर्स के चारों कोम के अंदर आपने एक एक पिक अपनी डाल देनी है, और उसके बाद आपने एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। और आपने पिक्चर्स के साथ ये करना है कि पिक्चर आपकी बिल्कुल जो उनसे फिट हो जाए कंपोजिशन में पहले, फिर आपने इसके स्केल के ऊपर एक की फ्रेम लगाना है, लास्ट फ्रेम पर जाकर आपने इसको 1:10 कर लेना है। तो हमारा कुछ ये नल ऑब्जेक्ट की एनिमेशन स्केल की होगी, तो अभी आपने जस्ट इसको पहले फ्रेम पर पेरेंट कर देना है, और बस इसको आपने कॉपी और सारे फोटो पिक्स वाले कॉम्स में जाकर पेस्ट करके इसके उसका वो ही उसका नाम क्या है पेरेंट करते रहना है, और पहले फ्रेम पर पेरेंट करना है। तो इससे हमारी ये थोड़ी स्केल की एनिमेशन आ जाएगी इसके ऊपर, तो फोटो थोड़ी जूम होगी। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल, हमारी एनिमेशन। तो मैं पहले बैकग्राउंड की लेयर बना लूँगा, और सॉरी असल में इसका साइज 1920x1080 है, 1920x1080 नहीं, 1080x1080। तो मैं इसका 1920x1080 करता हूँ, और इसको मैं ये मेरा हो गया है 1920x1080। तो चलिए हम लोग अभी इसके ऊपर बना लेते हैं हमारी जो मेन एनिमेशन होगी। तो उसके लिए आपने कुछ इसको जो सा है अनसेलेक्टेड रहने देना है, और आपने अपने हिसाब से जो उनसे है रिक्टेंगल बना लेने हैं, जैसे आप चाहे रिक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में जाके रिक्टेंगल बनाएं। मैं तो आपको सजेशन ही दूंगा कि आप कोई बहुत चीज़ बनाएं, जैसे कि ये मैं रिक्टेंगल बना रहा हूँ, तो आपने सर्कल बना लें, या फिर कोई पॉलीगॉन, कोई भी एक नई चीज़ क्रिएट करें। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो 1:10 तो सही है, ओके, तो गुड। तो अभी हम लोग इसको 0:10 और आपने जस्ट इसको भी डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख देना है, और इसका स्केल आप भले छोटा कर दें, जैसे कि 80 कर दें, 80 हो गया इसका। जस्ट आपने इस तरीके से रैंडमली कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ इनको यहाँ पर अप्लाई। तो ओके, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से हो गया। आपने स्ट्रोक को नन कर देना है चारों की, तो असल में ये सही है। इसको हम 2:3 कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 2:3। तो स्ट्रोक हम लोग चारों की नन कर देंगे, हमें सिर्फ फिल चाहिए इसको। तो ओके, अभी आपने पिक वन को उठाना है, कंपोजिशन को यहाँ पर लेकिन है, और इसको टॉगल स्विचेस से ये आके अल्फा मेट इसको कर देना है। सेम प्रोसेस चारों के साथ, चारों को 1:2 और चारों को अल्फा मेट कर देना है। तो आई थिंक यहाँ पर ये अल्फा इन्वर्ट हो गया है। तो आपने जस्ट इनको ऐसे करके, और अभी इसकी आपने पोजीशन सेट कर लेनी है चारों की। तो आपने अभी ये जो सी शेप्स हैं इनको आप भले हाइड कर दें यहाँ से, तो स्विचेस से ये
क्या है इसका नाम, इसको क्लिक करके बटन पे यहाँ से आप लोग इनको हाइड कर सकते हैं और आपको ये म्यूजिक मिल जाएगा बैकग्राउंड पे जो है इसके, तो आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी जैसा कि पहली जो सी दूसरी बीट आएगी 15 फ्रेम्स पर इन दोनों को ट्रिम कर देना है, और उसके बाद 22 फ्रेम पे इन दोनों को ट्रिम कर, एक इस ऊपर वाली को 4 को ट्रिम कर देना है। तो अभी आपने इसकी पोजीशन सेट कर लेनी है। तो हमारी ये पोजीशन इधर होगी, यहाँ पर अभी हमारा जो सा मेन पिक्चर में जो चीज़ है वो सही दिख रही है। तो अभी पोजीशन के ऊपर एक की फ्रेम लगा दें और इसके ऊपर यहाँ पर की फ्रेम इस तरीके से लगाएं जब वहाँ पर, इसको भी ऊपर कर दें। आप किसी भी साइड से ला सकते हैं पिक्चर, और आपने सारों के ऊपर ब्लर, मोशन ब्लर ऑन करके यहाँ से भी मोशन ब्लर ऑन कर देना है। तो अभी ये हो गया, और अभी F9 से, सॉरी असल में मेरी वो रिकॉर्डिंग F9 से स्टॉप हो जाती है तो मेरा अभी जहन में नहीं रहा। तो आपने इन की फ्रेम्स को रिलीज कर देना है, और आपने देखना है कि जिस तरीके से आपका ग्राफ हो, ये यहाँ पे ये वेव फॉर्म हो, उस तरीके से आपने ये ग्राफ बनाना है। एडिट स्पीड ग्राफ में रहना है आपने, और इनको आपने जस्ट कुछ इस तरीके का कर देना है। तो ये हो गया आपका। अभी हम आ जाएंगे यहाँ पे, और अभी ये हम 2 और 3 को भी पोजीशन इनकी सेट कर देंगे। तो इसकी कुछ पोजीशन यहाँ पर नंबर 2 की हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ओके, तो अभी हम लोग इन दोनों को पोजीशन इनकी रोटेशन के ऊपर की क्लिक करेंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर, एक और चीज़ जो सी करनी है वो ये है कि ये जौन सा है इनका एंकर पॉइंट आपने इस तरफ कर देना है। पेन ब्रांड टूल पकड़ के आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा की फ्रेम। आपने ये इस तरफ कर देना है ऐसे, और अभी आपने इनकी रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करनी है, सॉरी इसको रोटेशन, और यहाँ पर आ जाना है इनके, यहाँ पर एक क्लिक कर देना है, और इन पॉइंट पे आके इन दोनों की रोटेशन को पीछे कर देना है, जैसे कि ये आपको नहीं शो हो जाएंगे। तो एक को ऊपर, एक को एक तरफ, एक को दूसरी तरफ। तो सेम वही प्रोसेस, राइट क्लिक रिलीज, सही रिलीज, ये भी हो गया। और अभी आपने ये नेक्स्ट वाले पे आ जाना है। इसको भी आप भले रोटेशन दे दें, स्केल दे दें, दो जो आप देना चाहें। इसकी भी यहाँ पर ये बीट ख़त्म होती है, ये हम इसको यहाँ पर आएंगे और इसके इसको भी हम लोग रोटेशन ही दे देंगे। पहले हम इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे जहाँ पर हमारा करेक्टर सही दिखे। इसके भी हम रोटेशन का ये यहाँ पर इस तरफ कर देंगे एंकर पॉइंट लेफ्ट में, और इसकी भी हम पोजीशन रोटेशन ही इसको दे देंगे इस तरीके से। और इसका भी वही सेम प्रोसेस आपने म्यूज़िक के साथ अगर कर रहे हो तो फिर आप ये ध्यान रखेंगे अगर बीट के साथ मैच करेगी आपका वर्क तो वो अच्छा लगेगा। वैसे भले आप बनाएं कोई मसला नहीं, किसी भी तरीके से आप अपने दिमाग से अलग कुछ भी बनाएं, नया क्रिएट करें तो सही। ये हो गया, तो अभी मैं इनको बंद कर दूँगा, और अभी आगे जो हमारा काम है अभी हम इन तीनों को हाइड कर देंगे। और अभी हमें चाहिए कि 1 0 1, बस ये दो चीज़ चाहिए, पिक 1 और 0 1। अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो हाँ यहाँ पर अभी हमने एक लोगो का कॉम्ब बनाना है 1080x1080 का, और लोगो का कॉम्ब 1080x1080, वही सेम सेटिंग, और इसमें आपने कोई एनिमेशन नहीं देनी जूम वगैरह की। तो अभी मैं आपने जो सा ही यहाँ पर आके अभी इसकी ये जो सा हमारा रेक्टेंगल 1 था मेन, इसके हमने आना है प्रॉपर्टी में, इसके रेक्टेंगल वन की प्रॉपर्टी में आना है, इसकी इस शेप लेयर की नहीं, रेक्टेंगल 1 की प्रॉपर्टी में। ये स्केल को आपने डिसेबल कर वो हटा देना है, सेपरेट कर लेना है। रोटेशन और स्केल के ऊपर की फ्रेम लगा के आपने अभी आ जाना है जहाँ पर अगली बीट ख़त्म हो रही है, वहाँ पर आके आपने इसको 0 कर देना है, और इसको 0 1 को 0 कर देना है। तो अभी आपने जस्ट वही सेम प्रोसेस सारे की फ्रेंड्स के साथ इजीज, ये फिर आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो
अभी आपको अभी आपने यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, आपने अपना लोगो वाला, सॉरी तो सॉरी, आपने लोगो वाला कॉम्प यहाँ से लेना है। आपका लोगो वाला कॉम्प इसको यहाँ पर पिक के नीचे रख देना है। और आपने भी इसका स्केल, मेरा तो आप अपने जितना आपका लोगो हो आपने इतना करना है कि वो पिक्चर में दिखे ना, जैसे कि उस रिक्टेंगल से बाहर ना है, उसका स्केल उससे कम ही हो। तो अभी मैं इसका स्केल मैंने कर दिया है 60, और यहाँ पर इसको मैं ट्रिम कर लूँगा, और यहाँ से मैं पिक वन को डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आऊँगा। तो ये ऑटोमेटिकली लोगो के साथ अल्फ़ा मेट हो गई है, वरना फिर आपने इसको, मैं ट्रिगल स्विच से आपको दिखा देता हूँ, इसको आपने नो में ट्रैक कर देना है। तो अभी कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो आपने ये पिक वन जोन से हमारी नहीं थी, इनको हम लोग इनका कलर चेंज कर दें, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि हमारा लोगो वाला है। पिक वन और लोगो, इन दोनों को आपने यहाँ पर ट्रिम कर देना है एक साथ ही। और पिक वन से मैं जो भी की फ्रेम्स थे उनको भी भले आप डिलीट कर दें। तो अभी आपने इसको लोगो वन को इसके साथ अल्फ़ा मेट कर देना है। तो अल्फ़ा मेट हो गया, अभी हमें नहीं दिख रहा। जब ये हमारा ये ख़त्म होगा तो अभी ये हमें शो होगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से अभी आपने यहाँ पर जब आ जाना है, तो यहाँ पर आपने आके करना है लोगो वन हो गया। अभी आपने ये एक और चीज़ करनी है कि आपने ये जो से पिक वन करना था, इसके ऊपर टिंट इफेक्ट अप्लाई कर देना है। तो ये टिंट हो गया, तो ये ब्लैक एंड वाइट है। जैसे ही ये जाएगा तो नीचे से ब्लैक एंड वाइट इमेज आ जाएगी। तो अभी आपने, जब ये अगली हमारी आती है इमेज, तो अभी आपने इसकी स्केल के ऊपर क्लिक करना है, लोगो की जो कि हाइट है उसकी जगह पर अल्फा मेट किया है हमने, और इसकी स्केल को आपने यहाँ पर 50 कर देना है। 50 करके जैसे कि थोड़ा छोटा कर देना है। अभी इसको भी हम लोग पहले इजीज कर लें, इजीज। आपने अभी देखना है कि इसको आप जस्ट बीट के साथ थोड़ा हर चीज़ को करें। अभी हमारे थोड़ी बीट ये यहाँ पर थी, तो हमने ऐसे कर दिया। तो अभी ये भी हो गया हमारा। तो अभी इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमारा नया लोगो आ जाता है। तो यस, यहाँ पर तो हम अभी ये वाले लोगो को डुप्लीकेट करेंगे, और इसको ले आएंगे सारे को। इसके हम लोग यूज़ से ये स्केल की प्रॉपर्टीज ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा ये, और आपने इफेक्ट्स में ट्रांजिशन में जाके लीनियर वाइट ट्रांजिशन लगा देनी है। और इसको आपने 100, 0, 50 की फ्रेम यू जो जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी प्रॉपर्टीज, तो हम इसको जस्ट थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और ये 10 फ्रेम तक काम कर लेते हैं, 3:10 तक। तो अभी यहाँ पर आके हम लोग इसको 0 कर देंगे। इसके साथ भी वही सेम प्रोसेस, इजीज ग्राफ की तरफ इसको कर देंगे हम लोग। वो सही इस तरफ कर दिया हमने। तो अभी आई थिंक हमारी एनिमेशन जस्ट कंप्लीट हो गई। तो अभी हमें जो सा एक काम और करना है, वो है यहाँ पर जो सी वो सर्कल उसकी एनिमेशन आती है वो हमें लगाना है। हम देखें कि एनिमेशन हमारी करेक्ट है क्या। तो असल में कुछ हमने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था। लेकिन मैं ये लास्ट ट्यूटोरियल इसमें देखता हूँ प्रीव्यू में, कि हमने लोगो जो हमारा आता है सही नहीं, आई थिंक के एक लोगो सही है। हाँ सही, बिल्कुल परफेक्ट। तो हाँ, लोगो का हमने थोड़ा ये जो सा था यहाँ पर बंद होगा, लोगो की हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, क्योंकि मेरे जहन से निकल गया। तो अभी आपने जो सी ये वाली बीट है स्केल इसका, इसके की फ्रेम को जस्ट आपने यहाँ से वहाँ तक कर देने हैं जहाँ पर आपका ये ख़त्म होता है, जस्ट इस तरीके से। और इसके ग्राफ को हम जस्ट कुछ इस तरीके से कर देंगे। Audio
आई थिंक कि कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, तो मैं जस्ट एक मिनट देख के फिर इसको ट्यूटोरियल को करता हूँ। सही, तो मुझे समझ आ गया है कि हमारी एनिमेशन थोड़ी म्यूजिक के हिसाब से वैसे तो परफेक्ट है, मगर म्यूजिक के ऊपर ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। जो उनसे हमने यहाँ पर कुछ गलती की है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी इसको, तो ये हमारा सही था कि हमें इस बीट पे ये करना है, जो उनसे हमारा लोगो की एनिमेशन कम होती है स्लो, तो इसको हम इस बीट पे स्केल देंगे और यहाँ तक दे देंगे। ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस परफेक्ट। तो अभी हम जिस इसका ग्राफ उसकी तरह है वैसे ही कर देंगे जैसा कि हमारा वेव फॉर्म है। तो अभी यहाँ पर जोन सी हमने गलती की है वो ये थी म्यूजिक के साथ कि ये जोन सी यहाँ से आ रही थी, ये वाला नंबर वन वाला रिक्टेंगल, इसकी हमने इसको हमने थोड़ा इस तरीके से करना था कि इसकी एनिमेशन जस्ट यहाँ तक ख़त्म होती, क्योंकि म्यूजिक असल में हमने सुना नहीं, तो उस वजह से जैसे ये हो गया। तो जस्ट पहले हम इन सारों को फिर से इजीज कर देंगे। तो अभी इसकी बीट जो सी है वो सेंटर में है, तो हम इसकी बीट सेंटर में करेंगे। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है बीटों में, तो सही है, अभी परफेक्ट है काम। तो अभी आपने जो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ऊपर ये शेप्स की एनिमेशन है, ये ऊपर से रेक्टेंगल स्ट्रोक्स जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने जस्ट इसको डुप्लीकेट करना है। तो आपने अभी ये वाला कौन सा है हमारा, ये कौन सा वन है, रेक्टेंगल वन था जो सबसे पहले हमने क्रिएट किया था, इसको डुप्लीकेट करके इसका नाम एस दे दें और इसका कलर चेंज कर दें ताकि ईजिली दिख जाए। और इसकी अब अभी इसको हाइड नहीं करेंगे, अभी इसके हम लोग दूर से सारे की फ्रेम्स पहले रिमूव कर देंगे। और अभी हम लोग इसको जहाँ पर हमने इसकी स्केल की लोगो की एनिमेशन दी थी वहाँ तक इसको हम लोग अभी ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करके अभी हम लोग इसके आ जाएंगे, अभी हम इसके आ जाएंगे, फिर यहाँ से बिल्कुल डिलीट कर देंगे। स्ट्रोक हम लोग दे देंगे इसका कलर 3 पिक्सल, और इसका स्केल हम लोग वैसे ही रहने देंगे। अभी इसको हम लोग कंट्रोल डी से एक मतलब डुप्लीकेट करके नंबर 2 के ट्रांसफॉर्म में आके इसका स्केल कर देंगे 113। वो 113 नहीं, यस 113 नहीं, 1108, 2 पिक्सल कम, उसका 1010 था, इसका 108। और इसका हम लोग स्केल कर देंगे 106। और अभी ये कौन सा हमारा 2 वाला है, इसका हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरे लोगों का कलर थोड़ा चेंज है, बीच में 2 कलर हैं, आप कलर कोई भी दे लें उससे कुछ अच्छी एनिमेशन आपकी आ जाएगी कलर्स के साथ। तो अभी ये हो गया। तो मैंने एक ट्यूटोरियल में पहले आपको दी थी ट्यूटोरियल, उसके में ये प्रीसेट्स की आपको लिंक दे दूँगा, 3-4 ही थी, बाकी ये काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए, तो ये वाली शेप एनिमेशन की। तो मैं इसको फिर से अप्लाई करूँगा और इसके अभी यू पे पहले की फ्रेम पर, फर्स्ट फ्रेम पर जाकर इसको मैं रख दूँगा। और अभी मैं यू प्रेस करूँगा, सारों को मैं इजी यूज कर दूँगा, इजी यूज करके इसको हम लोग अभी जस्ट आखिरी जहाँ पर ये बीट ख़त्म होती है वहाँ तक, नहीं एक मिनट, हम लोग इसको सारों को सेलेक्ट करके ऑल्ट करके इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे। और अभी यहाँ पर आके हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे, और इसके हम लोग अभी ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसको जस्ट कुछ टाइम में पहले आके यहाँ पर अभी इसको जीरो कर देंगे। तो अभी हम लोग इसके यू प्रेस करके इसके यू ऊपर वाले की फ्रेम सेलेक्ट करके ग्राफ में जाके ग्राफ को इस तरीके का बनाएंगे ताकि हमारी एनिमेशन ग्राफ उसकी तरह आए, उस म्यूजिक के साथ आए। तो चलिए अभी प्रीव्यू देखते हैं कि हमने क्या बनाया। जो भूल गया यार, मैंने ये काफ़ी पहले कल परसों 2 दिन हो गए इस एनिमेशन को रेडी किए हुए, ट्यूटोरियल बनाते बनाते देर हो गई तो भूल रहा हूँ। पहले का ये 45 डिग्री था, अभी इसका आपने नेगेटिव 45 कर देना है जस्ट रैंडमली। और अभी आपने दूसरे की ट्रांसफॉर्म को कर देना है 135, और ये आपके तीसरे की 45 ही रहेगी जैसे करें। अभी एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो गई है, तो एनिमेशन इज कम्प्लीट।
तो एनिमेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं, जो ये लोगों के ऊपर लाइट लगी हुई है स्वाइप से, ये एक लाइट है स्वीप, ये एक इफेक्ट है आफ्टर इफेक्ट्स का। तो ये मैंने वब लगाई है, जब हमारा पूरा 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 म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैंने यहाँ तक लगाई थी। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि ये कैसे लगी हुई। तो मैं इसको फिर से डिलीट कर दूँगा एक मरतबा। मैं इसके ऊपर सी सी लाइट स्वाइप के नाम से ये इफेक्ट है। तो अभी ये इफेक्ट आपने अप्लाई करना है। तो आपने ये यहाँ पर, जैसे कि मैं देखूँ किस फ्रेम पे हमारा ये था इसकी एनिमेशन, तो वहाँ पर हम लोग एक एक मार्कर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। तो अभी ये वाला आपने डिलीट कर देना है वापस, या तो इसको आपने रीसेट कर देना है और इसके की फ्रेम्स को हम हटा लेंगे। तो ये रीसेट्स में कुछ इस तरीके से हो जाएगा इफेक्ट। तो आपने इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके, ये जो सा आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, ये आपने ये इस तरफ ले आना है, नीचे वाली तरफ आपने ये सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक कर देना है। और इसको आपने अभी अगले जहाँ पर आपने एनिमेशन ख़त्म करना चाहते हैं इसको उठा के ऊपर दूसरे कॉर्नर में ले जाना है। और अभी जो मैंने सेटिंग कुछ की थी, यहाँ पर आपने यू दबा के इसको इजी कर देना है। इजी करने से एनिमेशन अच्छी दिखती है थोड़ी सी। तो अभी आपने, मैंने ये विथ इसकी थोड़ी बड़ी की थी ताकि ये कुछ बड़ी लगे लाइट। तो मैं इसको कर देता हूँ 75। आप अपने हिसाब से बाकी सारी सेटिंग्स को भी देख सकते हैं। तो ये हमारी ये लाइट भी कंप्लीट होगी। तो हम लोग अभी आ जाते हैं, जस्ट हमारा ट्यूटोरियल ये कंप्लीट होगी एनिमेशन। तो अभी यहाँ पर जो एक और चीज़ थी वो इसमें जो कि बहुत ही अच्छी है, ये शेडो। तो हम अभी शेडो क्रिएट करते हैं। तो शेडो क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं, बाकी सब काम हो गया जो मुश्किल था आई थिंक। तो अभी आपने इन सबको भले हाइड कर दें, सारों के ऊपर आप लोग अगर कर देंगे मोशन ब्लर ऑन तो एनिमेशन अच्छी आएगी। तो सारों को आप हाइड कर दें। अभी आपने आ जाना है अपने प्रोजेक्ट पैनल में। ये आपका जो सा मेन कंपोजिशन, जब बिल्कुल आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि बस सभी ख़त्म है, तो कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट करके बैकग्राउंड के ऊपर डालें। इसका म्यूज़िक भले बंद कर दें और इसके ऊपर आप इफेक्ट डालें। अभी टेंट इफेक्ट डाल दें और एक और इफेक्ट डालें इसके ऊपर, सीसी रेडियल ब्लर। इसकी सेटिंग देख लें, फेडेड जूम अमाउंट 15। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि काफ़ी ही मुझे ओवर लग रहा था, तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी थी 45, मगर 50 ओके है, गुड है। तो अभी आपने ये इसका ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसको भी आपने जस्ट यहाँ पर रख लेना है। और अगर अभी आप चाहें तो आपको मैं एक और यहाँ पर बता देता हूँ, आपने जस्ट यहाँ पर ही जब वो लाइट आती थी तो आपने ये वाले इसके यहाँ पर एनिमेशन यहाँ पर क्लिक कर देना है ये सेंटर वाले बटन पे। और आपने ये यहाँ पर जाके जब वो ख़त्म हो जाती है, लाइट चले जाती है, तो आप इसको जस्ट कुछ इसकी इस तरफ कर दें। तो अभी आप अगर अभी यू प्रेस करेंगे तो आपको ये की फ्रेम दिख जाएंगे। तो इससे ये होगा कि इजी कर दें। तो अभी मैं ट्रांसपेरेंसी इसकी एक मिनट कर लेता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा इससे क्या होगा कि इससे इस तरीके से रोटेट हो जाएगी हमारा जो सा है वो, इसका नाम क्या है, शेडो। तो ये शेडो के साथ काफ़ी ही अच्छा लग रहा था तो मुझे, तो भैया उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट करें, अगर आपको तरीका बताना था तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने और क्या सीखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।